ये मेरा लेस क्रीम केक का ऑर्डर था, मतलब उन्होंने कहा कि आप केक पर बहुत कम क्रीम लगाइए कि हमें खाने में ना समझ में ही नहीं आना चाहिए, या फिर आप केक पर बिल्कुल क्रीम मत लगाइए, हमें ऐसे ही स्पॉन्ज दे दीजिए पर क्रीम बहुत ज्यादा होनी ही नहीं चाहिए। अब मैंने ऑर्डर तो ले लिया, फिर बाद में मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। पहले सोचा स्पॉन्ज बना देती हूँ मैदे का फ्रेश, तो वो भी अच्छा लगेगा खाने पे। फिर बाद में लगा जब हम केक की लेयरिंग करके बीच में क्रश वगैरह ऐड करते तो उससे और ज्यादा केक का फ्लेवर इनहेंस हो जाता है, तो फिर मैंने वैसा ही किया, मैंने 3 लेयर की पर बहुत पतली क्रीम लगाई। कई कमेंट भी पड़े थे मेरे बाकी लेस क्रीम केक वाले वीडियोस पे कि दीदी स्पॉन्ज दिख रहा है, आपने सही से आइसिंग नहीं की, तो कस्टमर को ऐसा ही चाहिए। मैं चाह कर भी ना आइसिंग नहीं कर सकती, मेरे पास थोड़ा सा क्रीम से ना सारी लेयर्स को असेंबल कर दिया है। लेस क्रीम में मैंने इस पर कुछ नया डेकोरेट करने की कोशिश की, अभी आप कॉमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। और इस केक को मैंने 320 चार्ज किया है क्योंकि मैंने एक